दोस्तों, माँ बनना हर महिला के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य होती है। गर्भधारण करने के बाद हर स्त्री का सपना होता है कि उनके भी घर एक नन्हा मेहमान आए जिससे उनके परिवार में खुशहाली बनी रहे। पर दोस्तों, आने वाला नन्हा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी, इसको लेकर गर्भवती महिला काफी असमंजस में पड़ी रहती है। हालांकि दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में समय से पहले भ्रूण का लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है। इसके लिए आप किसी भी तरह से अल्ट्रासाउंड की मदद नहीं ले सकते हैं। पर चिंता करने की कोई बात नहीं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आप 99% कंफर्म हो जाएंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। दोस्तों, यदि आप पहली बार माँ बनी है और अपने होने वाले शिशु के बारे में जानना चाहती है तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, ये वीडियो हम आपके जिज्ञासा को कम करने के लिए बनाए हैं। यह चैनल किसी भी प्रकार से लिंग भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता है और आप सभी से भी अनुरोध करेंगे कि आप भी बेटा या बेटी में फर्क ना समझें। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं सिम्टोम्स ऑफ बेबी बॉय के दो महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। दोस्तों, यदि बात की जाए पहले लक्षण की तो पहला है हाथ पैर का ठंडा होना। दोस्तों, प्रेग्नेंट होने के बाद महिला के बॉडी में बहुत से हार्मोनल बदलाव होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी त्वचा मुलायम रहती है और आपको हाथ एवं पैर में ठंडक सी महसूस होती है तो यह संकेत इस बात की ओर इशारे करते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक प्यारा सा लड़का ही होगा। और ठीक इसके विपरीत, यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपके हाथ एवं पैर में जलन की समस्या होती है तो इससे आप समझ जाएं कि आपके घर आने वाली नन्ही पड़ी एक प्यारी सी बेबी गर्ल ही होगी। दोस्तों, यदि बात की जाए दूसरे लक्षण की तो दूसरा है हार्ट बीट ऑफ बेबी, यानी कि आपके शिशु की धड़कन। सोनोग्राफी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि आपके शिशु का धड़कन 140 बीट पर मिनट से कम रहता है तो यह बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक प्यारा सा लड़का ही होगा। और ठीक इसके विपरीत, यदि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार यदि आपके बेबी का धड़कन 140 बीट पर मिनट से ज्यादा रहता है तो यह गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके अवश्य बताएं। और ऐसे ही प्रेगनेंसी से जुड़ी एक से बढ़कर एक नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में घंटे को दबाना ना भूलें।